शाम का टाइम हो चुका है, पापा ने बोला कि घूम के आओ, वॉक करके आओ और थोड़ा चाट पानी पूरी खा के आओ। क्योंकि दोस्तों सामने की चौपाटी हमारी लगी हुई थी, सोचे थे कि बढ़िया वॉक करते करते जाया करेंगे, खा के आया करेंगे, लेकिन नहीं था। तो हम लोग का मन वो हो गया कि हो मन हट गया था, पापा बोले कि नहीं थोड़ा दूर वॉक करते करते थोड़ा दूर जाओ, वहाँ पूरी चौपाटी लगी है, पूरा एंजॉय करके आओ, खा के आओ। तो पापा ने चाट पानी पूरी के पैसे भी पापा की तरफ से है, पापा मतलब ये पार्टी पापा की तरफ से है, स्पॉन्सर हाँ स्पॉन्सर पापा ने किया है कि जाओ तुम लोग खा के आओ, मेरी तरफ से है खर्चा। तो पापा ने 500 रुपये पकड़ा दिया, हम जाएंगे खाएंगे और कुछ कुछ छोटे छोटे सामान भी मम्मी ने भी बोल दिया, कुछ कुछ क्रीम व्रीम की कमी है तो वो भी लेते आएंगे। तो मिल्की को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं मम्मी के पास, मम्मी संभालेगी, पापा भी काम से गए हैं आएंगे, तो मम्मी पापा दोनों मिलकर संभालेंगे। तो हम लोग एंजॉय हाँ एंजॉय करके आते हैं, फटाक से आते हैं, अपने आप को ऐसे ऐसे दिखा रहे थे। हाँ ये देखिए दोस्तों मेरे पति देव है ना। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं चपाती में, कहाँ पे खाना है, बिकी चाट कहाँ पे दिख रहा है, चौपाटी यहाँ से चौपाटी चौपाटी कहाँ कहाँ पे बिकी चाट दिख रहा है। अच्छा चलो चलिए वहाँ खाते हैं, बचपन में हम लोग यहीं खाते थे बिकी चौपाटी की। हाँ चलिए 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 दोस्तों देख सकते हैं बढ़िया है, सब फैमिली के साथ आओ एंजॉय करने, तो चाट पानी पूरी खाओ, सब जगह यहाँ पे लगा हुआ है, सब फैमिली के साथ आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, भाई बहन के साथ आ रहे हैं, सब लोग भी आया करते तो खाने चाची। यहाँ क्या कर रहे थे आप, देखने आया हूं। देखने आए थे खाना, क्या खाना फलूदा, फलूदा होगा तो ठीक है, फलूदा एंजॉय करेंगे, तो आइसक्रीम अपना आइसक्रीम खाएंगे अपन। आइए तो नहीं ला है, लेकिन सोच रहे हैं मिल्की की याद में बलून ले लेते हैं उसको, कुछ उसको मिल्की के लिए इंटरेस्टिंग बलून। और इसमें कुछ लेना है क्या इन सब में, ये बलून में तो एक ले लीजिए, कुछ बलून में तो ले लीजिए, वो एंजॉय करेगी है ना। हाँ हाँ क्या करिए देखिए मिल्की क्या लेके आए मिल्की के लिए, हम लोग तो घूमी घूमी करके आए हैं। हाँ दिख के सामने एंजॉय कर लेगी भाई, आपको फेयर लवली क्रीम भी मिल गया है। हाँ अच्छा ही वाला होगा या फिर क्रीम मिल गई, और क्या क्या मिला, ये बेबी का शैम्पू, बॉडी लोशन, ये बॉडी लोशन है और शैम्पू छोटा वाला, और ये स्पेसर इनके जरा तो क्यूट लगा था इसलिए इसको लेके आ गई, अच्छा लगा मिल्की के लिए ये। एंजॉय करे मिल्की, हाँ नानी का तुमको छोड़ कर जाया जा सकता है ना, है ना आराम से दीदा के साथ आराम से छोड़ कर जाया जा सकता है ना। याद आती है मम्मी की, हे मिल्की कोई है, हे मिल्की मिल्की कितने दिन से नहीं देखी है मेरे को, हे कोई मतलब है मम्मी घूम के कहाँ मजे मार के आई, कोई भी लेना देना नहीं, अपने मजे में है। हाँ बच्चे लोग रो रो के घर ही ला देते हैं कि माँ मेरी कहाँ गई, अरे सो कोई लेना देना नहीं है घर तो माँ जहाँ चली जाए नानी के पास छोड़ दो, तुम जाओ तो उस जगह जहाँ जाना है, अपना एंजॉय करिए कि कोई तो फर्क नहीं।
तो मैं दिखा दूँ, ये है पापा ने लाया फिश, ये कतला फिश है और ये रूपचंद फिश है। तो अब मम्मी इसे बनाएंगी और उसको क्लीन करके, मतलब ये थोड़ा पानी से वॉश करके इसको रखेंगे फ्रिज पे, और ये सब फिश वॉश कर दी तो ये दोनों फिश बनेगी। ये दोस्तों तो आज बनना है, आज हम लोग मिलके बना रहे हैं बिहारी स्टाइल का फिश करी, है ना, मस्टर्ड फिश करी जो कि बिहारी स्टाइल है। तो बनाने हम लोग बैठे थे कि क्या कमी आ गई, लहसुन था ही नहीं। तो मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, अभी हम लोग जस्ट आए हैं मार्केट से होके आए हैं और वहाँ बहुत अभी तूफ़ानी हवा चली है, और दोस्तों हवा के कारण ऐसा हो गया, फिर बारिश हुई है, अब देख सकते गीला गीला है, बारिश हुई है, अभी भी ना हवा चल रही है, लाइट गोल है, हम तो इन्वर्टर लगा है दोस्तों इसलिए चल रहा है, लाइट गोल हो चुकी है। और पापा इस तूफ़ानी उसमें माहौल में गए हैं क्या लेने, लहसुन लेने चले गए हैं ना, तो लहसुन लेके आएंगे, तो पापा तूफान में गए हैं लहसुन लेने, तो बढ़िया बनना चाहिए ना, डालेंगे आप बिहारी स्टाइल का, है ना। हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे। हाँ उनका मेहनत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हाँ दोस्तों पापा ले आए हैं लहसुन, लहसुन कमी हो रही थी, भीग गए पूरा, हाँ उसको ऑलरेडी बरसात हो रही थी, बरसात में निकल गए थे पापा, कहाँ लहसुन कहाँ है, बारिश, अरे वो बारिश और तेज हो गई थी ना, मैं अभी निकली तो बड़ा तेज तेज बारिश हो रहा था, पूरा भीग गए हैं। लहसुन सिर्फ लहसुन ही लेने गए थे, सिर्फ लहसुन ही कमी थी, लहसुन के चक्कर में बारिश में। हाँ छीलते रहिए अब तक, है ना, आप ये करके मैं बर्तन देती हूँ लाके, है ना, छीलते रहिए। इसका क्या हाल हो गया, ये क्या है, ये ऐसे कैसे है, चित्त चित्त पड़ी हुई, हाँ क्या हो गया। तो दोस्तों खाना खाने बैठ गए हैं, और मैं बता दूं ये कौन कौन सी फिश बनी है आज, ये दोनों अलग अलग, ये अलग अलग फिश है ये दोनों। अच्छा मुझे लगा ये रूपचंद फिश है दोस्तों, ये रूपचंद फिश है और ये कतला फिश है, और ये मिक्स वेज के साथ पनीर है, और डार्लिंग दाल वगैरह भी है, बैगन फ्राई वगैरह भी, तो वो मैं नहीं लाई, मन नहीं करा था खाने का। ये रूपचंद है, हाँ ये रूपचंद है, इसका तो रूप काफी चंदा चंदा है। हाँ बहुत बढ़िया टेस्टी है और बढ़िया लगता है। ये रूपचंद मछली दिल्ली में भी लाए थे एक बार, याद है तुमको, वो जो मछली कटवाया थे वो सही नहीं था, दोबारा लेके आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, नाम नहीं बोला ऐसा रूपचंद कुछ, वही है ये, वही है ये, मैंने जब देखा तब मुझे समझ में आया। अच्छा उसने भी ऐसा ही कुछ नाम बोला था, मेरे दिमाग जब यहाँ सुने तब दिमाग। अच्छा 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 अच्छा, तो टेस्ट करके बताएंगे क्या। मुझे लग रहा था ना कि दोनों सेम फिश है। ना 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 सेम फिश नहीं, अलग अलग फिश है। चम्मच डालना तो भूल गई मैं, कोई बात नहीं, टेस्ट करके बताइए, फिश भी टेस्ट करके बताइएगा। हो सकता है नमक कम हो, तो नमक वो रखा है क्योंकि मेरे घर में मम्मी पापा बहुत कम नमक खाते हैं, और ऊपर से ऐड भी नहीं करते हैं, वो ऐड करना पसंद नहीं करते, तो इसलिए हो सकता है कम फील हो, वो भी देख लो। कैसा है, बढ़िया, मज़ेदार मज़ेदार फिश भी कैसी है, स्वादिष्ट है, बढ़िया, अलग सा टेस्ट है, अच्छा लग रहा है। नमक कैसा डालेंगे, नमक बढ़िया बढ़िया है। तो दोस्तों हाँ मेरे पति एंजॉय करते हैं, मेरी थाली लगी हुई है ये जो मैं अभी खाती हूँ, तो मीठा कम होता है क्या। हाँ कम ही होता है, ठीक ठाक होता है, निकला नहीं है बस बीच का ही दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं बाद में।